अरे क्या कर रही हो भाई, सूखे कबाब हलक से कैसे उतरेंगे? आप लीजिए। नहीं, बस बिरयानी का इंतजार था। अच्छा मैं बताना भूल गया, आज बाबा ने ना तुम्हें अकेले में लॉयर के पास बुलाया। क्यों क्यों का क्या मतलब? अब देखो ना, शिनाख्ती कार्ड पर बतौर तुम बीवी दर्ज हो चुकी हो, तो मैंने बाबा से साफ कह दिया कि घर के कागजात पे तुम्हारा नाम नामजद करते हैं। लेकिन वो बस वाकफियत की कमी की वजह से, मतलब जाहिर सी बात है, तुम पर भरोसा करने से थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं ना। तो गलत बात नहीं कर रहे हैं? तो आजकल कौन कैसा है पता थोड़ी चलता है। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ सर? अरे अरे, वो इसे क्या हुआ? पता नहीं, शायद अब्बू की तबीयत से गुस्सा हो गई होगी। मुझ पर गुस्सा हो सकती है? अब्बू की बात पर कैसे गुस्सा कर सकती है? खैर हारून, ये प्रॉपर्टी मेरे नाम करवाने की इतनी क्या जल्दी है? मतलब तुम ही ने तो कहा था, और देखो खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो जाए तो कम से कम मैं इस बात से मुतमईन तो हो जाऊं कि तुम और तुम्हारी बहन महफूज रहेंगे। ना ना करें, आप कैसी बातें कर रहे हैं? पहले ही आप कितने एहसानात हैं, कुछ अजीब सा लग रहा है। जब इंसान जिंदगी भर मोहब्बत के लिए तरसता है ना, तो शौहर का फर्ज कर्ज लगने लगता है। चलो बिस्मिल्लाह करें, आ जाओ। बड़ी लजीज बनी है बिरयानी, लो। दिलावर यार, बात सुनना जरा, गाड़ी पे कपड़ा तो मार देना। और मैडम घर पर है? और छोटी बेगम? कब तक छुपी रहेगी?